और अब वो अलग जाते उड़ने और उनकी माँ अलग जाती है, तो तू मुझे छोड़ के कभी मत जाना। चिड़िया ने बड़ा सील स्वभाव में उत्तर दिया, बेटा मैं तुम दोनों की सौगंध खाती हूं कि जिंदगी में तुम दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। और अपनी चोंच के द्वारा पंखों को उखाड़ दिया, क्योंकि जब पंख ही नहीं होंगे तो उड़ेंगे कहां से। कुछ दिन व्यतीत हुए, थोड़े दिनों के बाद उस बाग में, उस जंगल में तूफान आ गया, आग लग गई। तो चिड़िया ने जवाब दिया, है पुत्रो एक काम करो, तुम यहां से भाग जाओ, क्योंकि यहां तूफान आ गया तो मैं नहीं उड़ सकती, मेरे पंख नहीं है, तुम यहां से भाग जाओ, अपने प्राणों को बचा लो। तो महाराज जैसे ही बच्चे वहां से चले, चिड़िया ने टकटकी लगाई और जब तक दिखाई देते रहे तब तक देखती रही। जब आंधी तूफान शांत हुआ, वो वापस आए, तो चिड़िया उसी वृक्ष के तले मरी पड़ी, लेकिन उसने चोंच के द्वारा लिखा था कि ये बच्चों मैं इसलिए नहीं मरी कि यहाँ तूफान आ गया, मैं इसलिए नहीं मरी कि यहाँ आग लग गई, अरे मेरे प्राण तो इसलिए जा रहे हैं कि जिन बच्चों के लिए मैंने पंख उखाड़ दिए थे, आज उन्होंने एक बार भी जाते टाइम ये नहीं कहा कि माँ तू कोशिश कर ले, मैं तुझे लेके चलूंगा लेकिन अकेला नहीं जाऊंगा। अरे महाराज तुम क्या जिंदगी बिता देना, लेकिन माँ के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकती।